हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। सो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन फिगर 6.39 ये फिगर दे रखी है, साइड ओ क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और इसकी जो साइड है क्यू पी और आर क्यू, इसको क्या किया है, प्रोड्यूस किया गया। जैसे इसको यहाँ पॉइंट एस तक प्रोड्यूस कर दिया और इस वाली को पॉइंट टी तक प्रोड्यूस कर दिया। इफ एंगल एस पी आर, एस पी आर मीन्स दिस एंगल इज 135 डिग्री एंड पी क्यू टी मतलब ये एंगल 110 डिग्री का है, फाइंड पी आर क्यू। सो पी आर क्यू हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये एंगल गिवन है, इसकी हेल्प से आप ये वाला एंगल निकाल लोगे एंड इसकी हेल्प से ये वाला एंगल निकाल लोगे लीनियर पे ऐसे। ठीक है, पहले तो इनको नेम दे देते हैं, एंगल 1 2 3। ठीक है, सो एंगल 1 प्लस एंगल, अभी जो 135 है जो कि है एस पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हमें यहां से एंगल 1 मिल जाएगा। सो एंगल 1 प्लस एस पी आर इज 135 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180। सो ये मेरा हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस 135। 10 में से 5 के 5 मतलब 0 में से 5 10 ही हो जाएगा, वो 10 में से 5 गया 5। 7 में से 3 माइनस करेंगे 7 6 5 4 आ गया ये, और 1 में से 1 तो ये आ गया जी हमारा 45 डिग्री। एंगल 1 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल पी क्यू टी मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाएंगे विच इज अगेन लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, सो नाउ एंगल 2 फाइंड करना है हमें प्लस पी क्यू टी हमें 110 गिवन है इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 निकल जाएगा हमारा 180 में से माइनस कर देंगे 110। सो एंगल 2 हमारा आ गया 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गए 7 एंड 1 में से 1 0, तो 70 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल 2। अब देखो एंगल 1 है एंगल 2 है, एंगल 3 निकल जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। जैसे एंगल 1 हमने फाइंड किया था 45 डिग्री, सो ये लिख लिया 45 प्लस एंगल 2 हमने फाइंड किया था 70 डिग्री, सो ये लिख लिया जी प्लस 70 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज 5 then 7 8 9 10 11 111 आ गया प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो गया एंगल 3, ये हमारा आ गया 180 में से माइनस कर देंगे 115 को। सो दिस विल बी अगेन 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 1 गया 6, तो हमारा एंगल 3 आ गया 65 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। एंगल 3 क्या है, पी आर क्यू। सो हम लिख देंगे एंगल पी आर क्यू is equals to 65 degree. Okay, so this was the first question of exercise 6.3. अब आते हैं अपने next question पे।